नाउ वी विल लर्न अबाउट ओपोजिट्स. ओपोजिट क्या होते हैं? ओपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, कि हमें कोई शब्द दिया हुआ है उसका विलोम, मतलब उसका उल्टा शब्द. तो देखिए, सबसे पहले है बिग. बिग का मतलब होता है बड़ा. बिग का ऑपोजिट क्या है? स्मॉल. स्मॉल का मतलब छोटा. ये पिक्चर बड़ी है और ये पिक्चर क्या है? छोटी है. तो बिग का ऑपोजिट स्मॉल. द नेक्स्ट वन इज यंग. यंग मतलब जवान. एंड द ऑपोजिट ऑफ यंग इज ओल्ड. जैसे आपके पापा हैं तो वो यंग हैं, आपके दादाजी क्या हैं? ओल्ड हैं. इन, इन मतलब अंदर. ये देखो, ये बच्चा कार के अंदर बैठा है तो ये क्या है? इन. इन का ऑपोजिट क्या होता है? आउट, मतलब बाहर. फास्ट. फास्ट का मतलब तेज. आप देखो, रैबिट है. रैबिट कैसे चलता है? बहुत तेज चलता है, फास्ट. फास्ट का ऑपोजिट है स्लो. टर्टल कैसे चलता है? टॉर्टोइज, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली. फास्ट का ऑपोजिट है स्लो. द नेक्स्ट वन इज हॉट, गरम. चाय कैसी होती है? बहुत गरम. और कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है? उसके नाम से ही पता चल रहा है, कोल्ड, ठंडी. तो हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड. टॉल. टॉल मतलब लंबा. जिराफ देखो कितना टॉल है, इतना लंबा होता है. और बॉय क्या है? शॉर्ट, मतलब छोटा. टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट का मतलब छोटा. हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश. जब आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं तो आपका फेस ऐसा स्माइली होता है, आप क्या होते हैं? बहुत हैप्पी. अगर मम्मा गिफ्ट देने से मना कर दे तो आप क्या हो जाते हैं? सैड. हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? सैड. सैड मतलब दुखी. द नेक्स्ट वन इज फैट, मोटा. और दूसरा क्या है? थिन. तो फैट का ऑपोजिट क्या है? थिन, मोटा, पतला. वेट. वेट मतलब गीला. ड्राई. ड्राई का मतलब सूखा. तो वेट का ऑपोजिट क्या है? ड्राई. नाउ द टाइम फॉर आंसर टाइम. नंबर वन इज हॉट द ऑपोजिट ऑफ कोल्ड. क्या कोल्ड का ऑपोजिट हॉट होता है? इफ येस देन यू हैव टू टिक ऑन येस. अगर नहीं होता तो आप नो पर टिक करिए. तो कोल्ड का ऑपोजिट हॉट होता है, तो हम किस पे टिक करेंगे? येस पर. इज बिग द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी. हैप्पी का ऑपोजिट बिग होता है? नहीं, हैप्पी का ऑपोजिट सैड होता है. द नेक्स्ट वन इज आउट द ऑपोजिट ऑफ इन. इन का ऑपोजिट आउट होता है, मतलब अंदर, बाहर. दिस इज राइट. इज स्लो द ऑपोजिट ऑफ फास्ट. फास्ट मतलब तेज. तेज का ऑपोजिट स्लो होता है, मतलब धीरे. आप बताइए ये सही है या नहीं. यस दिस इज करेक्ट.